महाराष्ट्र के जाने माने बाल विशेषज्ञ डॉक्टर उदय बोधनकर यूके के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से नवाजा गया है। जिले में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला मरीज मिलने से प्रशासन सतर्क हो गया है। इस मरीज को एम्स में रखा गया है। 700 एमएम व्यास की कन्हान जल शुद्धिकरण केंद्र से आ रही पाइपलाइन सोमवार सुबह डिप्टी सिग्नल रेलवे क्रॉसिंग के पास फूट गई। महारेल के ठेकेदार द्वारा काम कराते समय इसे फोड़ दिया गया। ट्रांसपोर्टर के घर में चोरों ने लाखों रुपए नकदी और आभूषण पर हाथ साफ कर दिया। घटना का पता चलते ही आला पुलिस अधिकारी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। मानपा प्रवर्तन विभाग द्वारा गांधीबाग लक्ष्मी नगर धर्मपेट जोन में अतिक्रमण निर्मूलन कार्रवाई की गई। कलमना मार्केट के प्रवेश द्वार के सामने एक कार पलट गई। आसपास के लोग ने चालक को सकुल बाहर निकाल लिया। शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय व अस्पताल में MBBS के या निवासी डॉक्टर्स क्लास से गायब रहते हैं, उनके लिए अनुशासन होना जरूरी है। 1971 में पाकिस्तान पर जीत का भारत स्वनिर्भर विजय दिवस मना रहा है। इस उपलक्ष्य में 16 दिसंबर को नागपुर सीताबर्डी किला आम लोगों के लिए खुला रहने का निर्णय लिया गया है।